और इस वक्त की बड़ी खबर नागदा से, जहां राहुल गांधी को धमकी देने वाला गिरफ्तार। जी हां, आपको बता दें, बम से उड़ाने की दी थी धमकी। संदिग्ध आरोपी नागदा से पकड़ाया। उत्तर प्रदेश के रायबरेली का रहने वाला है संदिग्ध। फोटो के आधार पर हुई पहचान। और इस वक्त की बड़ी खबर नागदा से, जहां राहुल गांधी को बम से उड़ाने की धमकी देने वाला हुआ गिरफ्तार। जी आपको बता दें, आरोपी ने दी थी बम से उड़ाने की धमकी। संदिग्ध आरोपी नागदा से पकड़ाया गया। उत्तर प्रदेश के रायबरेली का रहने वाला है संदिग्ध आरोपी। फोटो के आधार पर हुई पहचान। इंदौर में थाना जूनी में एक अपराध पंजीकृत किया गया था। आप लोगों ने कुछ ध्यान होगा, कुछ दिन पहले एक इस तरह का एक पत्र मिला था जिस पर जान से मारने की धमकी दी गई थी। उसका आधार पर इंदौर पुलिस जो जांच कर रही थी, जांच के आधार पर उन्हें एक संदिग्ध को नागदा में होना बताया था। उनकी सूचना पर हमारी नागदा पुलिस ने उसको हिरासत में लिया है, और उसको हिरासत में लेने के बाद उससे पूछताछ की गई है। प्राथमिक पूछताछ के बाद इंदौर की टीम आ रही है, क्योंकि प्रकरण उनके यहाँ पंजीकृत है, तो बाकी विवेचना आगे इंदौर पुलिस करेगी। सर, तो कौन आरोपी और क्या हुआ? आरोपी का नाम जैसा आप जानते हैं कि नहीं दिया जा सकता। संदिग्ध है, नागदा में रहना पाया गया। मूलतः वह रायबरेली का रहने वाला।